अखंडा इज अ टाइम वेस्ट मूवी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट मूवी की ओरल एंड 2 आवर 47 मिनट की, और ये आपको अभी थिएटर्स के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी देखने को मिल जाती है। ये तेलुगु फैंटेसी एक्शन मूवी है। इसका रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था, और इस वीडियो में लगता है मुझे बहुत सारी गालियां भी मिलने वाली है। खैर, थैंक यू सो मच मेरे भाई। इसी तरह से मूवीज आप लोग रिकमेंड करते रहो, और जिनका रिकमेंडेशन ज्यादा अच्छा लगेगा उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा डेफिनेटली। फिर बात करें इस मूवी के प्लॉट के लिए, उससे पहले बता दूं कि इस मूवी में हमें नजर आते हैं साउथ के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स में से एक, जो कि 40 सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, मिस्टर नंदमूरी बालकृष्णन। आई थिंक आई हैव प्रोनाउंस हिज नेम करेक्टली, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उनकी ही पहली मूवी देख रहा हूँ। शेम ऑन मी, बट यस, मैं उनकी पहली मूवी देख रहा हूँ। मूवी की कहानी सिंपल सी है कि दो जुड़वा भाई है, एक का नाम है मुरली और दूसरा का नाम है अखंडा। अब दोनों ही बचपन में अलग हो जाता है। अलग इसलिए होते हैं क्योंकि एक साधु इनके पेरेंट्स को आकर बोलता है कि अब जो भी बोलता है वो आप लोग इस मूवी में देख लेना। खैर, एक बच्चा तो पेरेंट्स के रह जाता है और दूसरा बच्चे को साधु महाराज लेके चले जाते हैं, और वो बच्चे को लोग मंदिर में छोड़ देते। मंदिर में छोड़ने के बाद आघोरी लोग उस बच्चे को ले लेते। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते, कैसे इन दोनों बच्चों की किस्मत बदल जाती है, फिर क्या कुछ होता, कैसे ये लोग लोगों की किस्मत बदलते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। एक सच बात बोलूं तो स्टार्टिंग के 1 घंटे इस मूवी के मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम वेस्ट है। सीरियसली, मुझे कुछ भी ऐसी नई चीज इस मूवी में नजर नहीं आ रही थी जो मुझे मजबूर करे आगे देखने के लिए, क्योंकि वो सारी टिपिकल चीजें जो हमने साउथ की बहुत सारी मूवीज में देखा है, स्टार्टिंग के 1 घंटे आपको वही सारी चीजें इस मूवी में देखने को भी मिलती है। बट आफ्टर एग्जैक्ट 1 आवर ये मूवी में जो BGM बजा है और जो एक्शन हुए और जिस तरह से मूवी पूरी तरह टर्न हुई है, उसके बाद जगह से हिलने का मन नहीं करता। ऑल दो इस मूवी में जो एक्शन है वो ओवर द टॉप है, यानी कि वही फुटबॉल की तरह विलन्स को यहाँ वहाँ उड़ते हुए देखना, और हीरो 100 लोगों को अकेले मारा, लेकिन यार ये तो फैक्ट बात है कि जो एक आम इंसान नहीं कर पाता वो हीरो करता है, तो ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन साउथ की ऑडियंस को और आज की तारीख में हिंदी ऑडियंस को भी इस तरह के एक्शन बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो कोई बात नहीं, एक्शन की अपनी अपनी पसंद हो सकती है। मुझे कुछ कुछ एक्शन सीन्स बहुत अच्छे लगे, जैसे कि फर्स्ट हाफ के एंड में जो त्रिशूल वाला हुआ है यार, वो तो अनएक्सपेक्टेड था, और वो एक्शन सीक्वेंस मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। उसके अलावा क्लाइमेक्स में वो जो शंख लेकर जो खप 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 करते हैं ना, वो मुझे जॉन विक की याद आ गई। मतलब शंख की जगह का चाकू होता था, सेम वही सीन लगता था, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा मूवी का जो BGM है वो क्लास है भाई। मतलब एक नॉर्मल से भी सीन्स को BGM किस तरह से उठा सकता है, इतना लाउड BGM जो आपको अगर आप फुल साउंड में सुनो तो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है, तो ये मूवी का वो BGM है। और उसके अलावा मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात को, तो जो स्लो मोशन के सीन्स है, वाह यार, बहुत ही ज्यादा सीन्स देखने को मिलेंगे। और मूवी में एक हीरो को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, बिल्कुल वही सारी चीजें आप लोग इस मूवी में देखोगे। और जिस तरह से नंदमूरी बालकृष्णन सर को यहाँ पर प्रेजेंट किया ना भाई, मैं तो फैन हो गया यार। मूवी में जो डायलॉग्स है, डायलॉग्स अगर गौर से सुनना, बहुत ही कड़क डायलॉग है, और मतलब कुछ अलग हटके लिखा है। और जिस तरह से हीरो और विलन डायलॉग होते ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, वहां पे हंसी भी आती है, लेकिन कुछ नयापन भी लगता है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार, नंदमूरी बालकृष्णन, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम उनकी कोई मूवी देखना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब काफी अच्छी तरह से उनको प्रेजेंट किया डायरेक्टर ने, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, एडिटिंग भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल ये मूवी आपको देखना है या देखना है क्या यार, ऑब्वियसली 60-70 करोड़ की पिक्चर अगर 150 करोड़ पार कर ले और OTT पर भी इतना ज्यादा लोग पसंद करें, मतलब डेफिनेटली लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन सीरियसली, फर्स्ट हाफ इसका मुझे अभी भी बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट ही लगा, उसके बाद तो ये मूवी फाड़ू है यार। बस इस वीडियो में इतना ही, पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, मूवी में जमकर वॉयलेंस है तो यार ये बच्चों के सामने मत देखना। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। इसका सेकंड पार्ट आना ही चाहिए, और जहां पर ये मूवी खत्म हुई उसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो वो भी बता सकते हो, और स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर के बारे में आपका क्या ख्याल, सब कुछ बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।